नीलेश भाई का आपका यहाँ पर नीलेश भाई के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नीलेश भाई का बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन फिजिकल था 2023 का हरियाणा के इसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पर बता दूं दोस्तों, जब भी नीलेश भाई यहाँ पर फिजिकल देने आए तो आपको पता है नीलेश भाई कहीं भी जाते हो ब्लॉग चैनल है तो ब्लॉग से वो वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। उन्होंने अपना वीडियो बनाकर अपलोड किया तो किसी ने उनका मोबाइल देख लिया भाई कि ये मोबाइल इस बैग में इस जगह डाल रहा है, तो उस बंदे ने उसका मोबाइल और फ्रेश दोनों चोरी हो चुके हैं। आपको क्या करना है आप बता दो, उनकी आपकी छोटी सी हेल्प करनी है क्योंकि आप ही की बदौलत वो है। और आप बता दो दोस्तों, वो डिफेंस के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। और भाई मैं भी नीलेश भाई को सल्यूट करता हूँ क्योंकि जो इतने नीचे से उठ कर इतने ऊपर तक पहुँच पाए, जो स्टक तक जाना उनको बहुत बड़ी बात है। बता दो आज नीलेश भाई को आपकी ज़रूरत है। कि कभी भी नीलेश भाई ने आपसे मदद नहीं मांगी, पर आज नीलेश भाई ने आपसे मदद मांग रहे हैं। नीलेश भाई ये नहीं बोल रहे हैं आप मेरे को 100 रुपए करो, मेरे को 50 रुपए करो, और मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको 100 रुपए करो 50 रुपए करो। आप केवल 10 रुपए 10-10 रुपए की सहायता से बहुत कुछ हो सकता है। और जो बात सुने के संगठन में शक्ति होती है वही बात आपको दोस्तों यहां पर साबित करनी है। केवल हो सके तो 10 और 5 रुपए आप सपोर्ट में उनको सहयोग जरूर करें क्योंकि उनके पास अभी कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, कोई भी फ्रेश वगैरह नहीं है, तो आप उनको सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखें, आप उनको 10 रुपए फोनपे गूगल पे सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हो। उनका आपका बेस्ट जो फ्रेंड्स का नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा। ये आप वीडियो में आगे देख रहे हैं नीलेश भाई खुद क्या बोल रहे हैं, तो नीलेश भाई को आज आपके सपोर्ट की जरूरत है, उनका सपोर्ट जरूर कीजिए। बाकी देखो, आपको जब भी नीलेश भाई का कुछ मेरे से कॉन्टैक्ट होगा, फोन से बात होगी, तो मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ रहा, तो वो बात आपको डिटेल से बता दी जाएगी दोस्तों। नहीं मांगा था आपको, ऐसा लगेगा कि नहीं नीलेश भाई गलत कर रहा है तो नहीं मदद करना। अगर आप लोगों को लगेगा ना कि नीलेश भाई के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप लोग मदद जरूर करना यार। अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं हरियाणा में हूँ। मेरे साथ पहलवान भाई है, रौनक भाई है, हमसे बता रहा हूँ यार। हम कभी सोचे ही नहीं थे कि दौड़ने वाले भाई ऐसे निकलेंगे। हमारे साथ जितने लोग सोए थे ना वो सब दौड़ने वाले भाई थे, लेकिन हमारा मोबाइल पता नहीं कौन चुरा लिया है। मैं सभी लोगों का बैग भी चेक किया हूँ, और जो मोबाइल चुराएगा वो बैग में थोड़ी के रखेगा, कहीं चुरा दिया होगा। और उसी में हमारा फोन पे था, गूगल पे था, और इतना ज्यादा पुराना फोटो था, इतना ज्यादा वीडियो था। मैं अपने घर से निकला था, पूरा का पूरा ब्लॉग वीडियो बनाते हुए निकला था, लेकिन सब कुछ उसी मोबाइल में था, और मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है। अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं हरियाणा में ही हूँ। बहुत मजबूर होकर अपने दोस्त का फोन पे नंबर दे रहा हूँ। आज तक मैं कभी भी आप लोगों से मदद नहीं मांगा था, लेकिन आज आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ भाई। इसका आप लोग गलत अर्थ नहीं निकालना यार। तो ये नहीं सोचना नीलेश भाई मतलब अब ये क्या करने लगा है, अब मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मेरे घर वाले तो पैसा वैसे भी नहीं देंगे क्योंकि मेरे पिताजी काफी दिनों से घर ही पर रह रहे हैं। यूट्यूब से 10-12 हजार रुपए मिलते थे तो उसी से हमारा घर परिवार पूरा चलता था, और मैं भी अपना भर्ती वर्ती देखता था। मुझे जो कुछ भी करना रहता था तो उसी से करता था। प्रेजेंट टाइम में जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता था वो मोबाइल ही चोरी हो गया। एक कैमरा है तो कैमरा से सिर्फ वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सारा चीज मतलब मोबाइल से ही करता था, एडिटिंग करता था। हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आप लोग मदद कर दोगे तो हो सकता है मैं अपना मोबाइल ले लूँ। और बहुत ज्यादा मजबूरी में आकर मुझे अपना दोस्त का फोन पे नंबर गूगल पे नंबर देना पड़ रहा है, और ये स्कैनर कोड भी है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नीलेश भाई को आज मदद करना चाहिए तो आप लोग मदद करना। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नीलेश भाई को नहीं मदद करना चाहिए, नीलेश भाई गलत काम करता है, तो नहीं मदद करना मेरे भाई। लेकिन गाली नहीं बकना, ठीक है ना, गाली नहीं देना। घर से 3 दिन पहले से ही निकल गया था, इसलिए मैं यूट्यूब पर 3 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। मैं सोचा हूँ आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, मैं सोचा हूँ बीएसएफ का दौड़ मारूंगा, हाइट फिट होऊंगा, आप लोगों को डायरेक्ट बोलूंगा यार मेरा बीएसएफ का निकल गया, तो आप लोग भी सोचोगे यार हाँ चलो नीलेश भाई का एक दिन छूटा था, एक दिन दौड़ मार दिया। लेकिन सब कुछ चौपट, और कुछ दिन बाद जाएंगे क्योंकि तैयारी करना है यार। उधर यूपी पुलिस का भी भर्ती आ रहा है, इधर मेरा मोबाइल भी खो गया, इधर बीएसएफ का फिजिकल भी निकल गया है, और पैसे भी नहीं हमारे पास, मोबाइल तत्काल में खरीद नहीं सकते हैं। तो हो सके तो मदद करना, मदद नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो शेयर कर सकते हो यार। हो सकता है आपके एक वीडियो शेयर से मेरा नया मोबाइल लिया जाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन सही नहीं है। जब मेरा नया मोबाइल आ जाएगा ना तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, और जितना लोग भी मेरा मदद करोगे ना मैं लाइव आकर सभी लोगों का नाम भी लूंगा। और ये जो दोस्त का नंबर है ना 7607975, तो इस पर आप लोग फोन करके ज्यादा परेशान नहीं करना मेरे दोस्त। तो ये दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है, इसका भी SSCED में पेपर निकला हुआ है, तो मेडिकल वेडिकल का तैयारी कर रहा है, इसको आप लोग ज्यादा परेशान नहीं करना। मेरा फोन पे नंबर गूगल पे नंबर सब कुछ गायब हो गया, तो इसलिए मुझे अपने दोस्त का नंबर देना पड़ रहा है। अभी मेरा सर पूरा का पूरा दर्द कर रहा है, मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, बहाना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से मैं खाना नहीं खाया हूँ, और 5 किलोमीटर जब रनिंग किया ना तो उसमें भी मैं 6वां नंबर पर था, तो उसमें भी थोड़ा मतलब घींच कर दौड़ दिया हूँ, काफी दिनों से मैं दौड़ भी नहीं रहा था।
तो मैं आप लोगों से दूसरा कुछ नहीं कहूंगा भाई, बाकी सारी बातें आप लोगों से अब बाद में करेंगे। अभी चलते हैं क्योंकि रौनक भाई पहलवान भाई इंतजार कर रहे हैं। सर आप लोगों से बड़ा मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप लोगों से बड़ा धन मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर मेरा कोई मदद करने वाला है तो आप ही लोग मदद करने वाले हो, आप लोग मेरा मदद कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन जो जलन रखेगा वो मेरा मदद नहीं करेगा। जो कुछ भी था मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूँ। मकान मालिक इतना आरामखोर था ना, वो रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया था, उसको सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। ना किसी से आधार कार्ड लिया था, ना सीसीटीवी कैमरा लगाया था। जितने लड़के अगल बगल में सोए थे हम लोग भी सो चुके थे, पता नहीं कौन मोबाइल लेकर निकाल कर चला गया, सारा कुछ एक ही दिन में समाप्त हो गया। ये कहो मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड बचा हुआ है, मेरा यूट्यूब वाला बचा हुआ, नहीं तो वो भी आज समाप्त हो जाता भाई, मैं आप लोगों तक ये पहुंचा भी नहीं पाता। मैं उस मोबाइल से अपने ईमेल आईडी को ब्लॉक करा चुका हूं, हटा चुका हूं, लेकिन मेरा फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, सब कुछ वहीं से। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।